जय श्री राम दोस्तों। आज हम जो आसन करने जा रहे हैं वो खड़े रहकर करने वाले आसन हैं, जिसमें शरीर का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। आज जो हम आसन कर रहे हैं उसमें पादहस्तासन, त्रिकोणासन, वृक्षासन, ताड़ासन और नटराज आसन है। इसका आज हम अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम पादहस्तासन, इसमें हम पहले सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे और अपने जो हाथ है वो यहाँ लगाने के बाद में उठते करते करेंगे। पैर फैला लेंगे और दाहिने हाथ को बाएं पैर के टच करेंगे और एक हाथ ऊपर ले जाएंगे। इसी तरह से इस वाले घर में करेंगे। ये त्रिकोणासन है। शरीर के संतुलन के लिए अगर आसन सही नहीं हो तो आप जमीन पर भी कर सकते हैं। वृक्षासन, सांस छोड़ते हुए फिर दूसरे घर से। जब ऊपर की तरफ जाते हैं सांस लेते हैं, नीचे की तरफ आते हैं सांस छोड़ते हैं। इसके बाद में ताड़ासन, ताड़ासन में पैर पास में रखेंगे, हाथ की इस तरह से मुद्रा बनाएंगे, इनको ऊपर की तरफ खींचेंगे कान के पास में, फिर एड़ियों से ऊपर उठते हुए पंजों पर करना, ऊपर जैसे कुछ खींच रहा है। सांस छोड़ते हुए वापस हाथ नीचे, एड़ियाँ नीचे, फिर सामान्य अवस्था में। इसके बाद में नटराज आसन, नटराज आसन में पहले पैरों का संतुलन सही करने के बाद में एक पैर को उठाना है, उसके पंजे को ऐसे पकड़ना है, एक हाथ को रखना आगे, फिर धीरे धीरे आगे झुकना है। फिर इसी तरह से दूसरे पैर से संतुलन बनाते हुए इस प्रकार इन पांचों आसन का अभ्यास कर सकते हैं। जय श्री राम।